दोस्तों हम खड़े हैं प्राइमरी स्कूल बिजनौर सेकंड के सामने। ये वो रोड है जो BBAU से सीधा आया है, शहीद पड़ता बीच में, उसको अंडर पास से निकल कर जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो आगे जाकर ये बिजनौर रोड बोला जाता है। बिजनौर रोड का एक जो सिरा है वो CRPF कैंप होते हैं, आपका सरोगी नगर निकलता है जाके, और दूसरे सिरे की बात करें जब आप पीछे की तरफ सीधे आएंगे तो आप पहुंच जाएंगे स्मृति उपवन से होते हुए अम्बेडकर मैदान। ठीक है, तो ये जो रोड है काफी बड़ा रोड है और ये रोड चूंकि शॉर्टकट भी है तो अभी ये रोड 2 लेन दिख रहा है आपको। हम उसी लोकेशन पर जा रहे हैं जहां पर बन रहे हैं रो हाउस। ये जो रोड आपको 2 लेन दिख रहा है ये 4 लेन पास हुआ है और इसी वजह से यहाँ आसपास बहुत बड़ी तादाद में फ्लैट, रो हाउसेस और प्लॉटिंग होने हो गई है। अगर आप लोगों को लखनऊ में मकान लेना है उस लिहाज से ये बहुत अच्छा इलाका है क्योंकि इसमें बगल में आशियाना इलाका है जो काफी डेवलप है, वो LDA द्वारा बनाया गया है। आगे की तरफ शारदा नगर योजना है, PTI है, इधर आपका सरोजिनी नगर तक टच कर रहा है, तो ये लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। हम यहाँ से राइट हैंड हो चुके हैं और ये राइट हैंड होने के बाद यहाँ पर हम जब जा रहे हैं तो ये दोस्तों जो रो हाउसेस बन रहे हैं इनका जो नाम है ये संगम विला के नाम से, स्वप्निल संगम। स्वप्निल संगम एक रो हाउसेस सोसाइटी डेवलप की जा रही है इस इलाके में। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं। इसका गेट है अभी बना नहीं है, बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत आएगा। हम आ चुके हैं अपने रो हाउस पर। ये एक रो हाउस का सैंपल है जिसको फर्निश्ड होना या अनफर्निश्ड जगह। सामने गेट से घुसते ही आप गेट पर ही फर्शबल लगा के दे रहे हैं। बगल में ये लॉन के लिए जगह छोड़ी है, इसमें चाहे आप इसमें गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, बाइक वगैरह अगर आपको ज्यादा है तो उधर खड़ी कर दीजिए, सामने कार खड़ी हो जाएगी। अच्छा खासा स्पेसियस है, यहाँ पर एक बड़ी इनोवा खड़ी हो सकती है। अब हम अंदर चलते हैं तो आप जैसे ही गेट से घुसते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ा सा हॉल मिल जाता है आपको, काफी बड़ा हॉल है ये। टोटल दोस्तों प्लॉट एरिया की बात करें तो 1100 स्क्वायर फीट है, जबकि कारपेट एरिया जो ये उन्होंने बनाया है वो तकरीबन 1550 स्क्वायर। तो आप देखिए सीलिंग वगैरह अभी इन्होंने मतलब कंप्लीट नहीं किया, फर्निशिंग अभी देनी है, होने के बाद ही फर्निश होता है। टाइल्स वगैरह सब लगा दिए हैं, कमरे से अटैच लॉबी है, बीच में पार्टीशन नहीं है, आप कर्टन डाल सकते हैं बीच में तो आपका पार्टीशन हो जाएगा। और उस लॉबी में इन्होंने कॉर्नर पे एक बेस वॉशर लगा के दिया है, अगर आप इसमें डाइनिंग टेबल सेट कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा इलाका आपका बन जाएगा डाइनिंग रूम। इसके ठीक सामने किचन है राइट हैंड पे और यहीं पे मिल जाता है आपको एक सेपरेट एग्जिट जो आपको सीधे किचन पे एंट्री दे देगा, मतलब आप किचन से होकर कमरे में जा सकते हैं। किचन अभी जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं मिल रहा है, दोस्तों यहाँ पे मॉडर्न किचन बनेगा। और पीछे की तरफ आपको मिल जाते हैं 2 बड़े कमरे, एक कमरे में लैट्रिन बाथरूम देखिए घुसते ही अटैच है, अगर बाई चांस आपके कोई गेस्ट के लिए लैट्रिन बाथरूम में स्पेशियस और इस्तेमाल में लायक है। कमरे के अंदर आ जाते हैं तो ये बड़ा सा कमरा है, साइड में उन्होंने कवर्ड की जगह छोड़ दी तो आप एक बढ़िया सा कवर्ड बना सकते हैं। और इसका जो दूसरा एग्जिट है वो निकलता है हमारे एक कुटियस में या आंगन में, और आंगन ऊपर खुला हुआ है और इस आंगन से अटैच एक लैट्रिन। ये जो स्पेशियस बाथरूम लैट्रिन है ये दोनों कमरों के लिए कॉमन है, यानी अगर आप मास्टर बेडरूम दोनों में से किसी भी कमरे को बनाते हैं तो आप इस लैट्रिन बाथरूम का बिना किसी को डिस्टर्ब किए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे वाला जो लैट्रिन बाथरूम बनाया गया है वो गेस्ट पर्पज से है, यानी अगर आपके घर कोई आता है उसको घर अंदर नहीं जाना है, उसको बाहर लॉबी में हाथ धो लेगा, बाथरूम लगे थोड़ा सा अंदर उसको रूम में एंट्री नहीं। और ये देखिए आपको ये दोनों कमरों में कवर्ड स्पेस छोड़ा गया था। अब हम आ गए लॉबी एरिया में, किचन आपको दिखाई दी। अब हम इस जो सेपरेट गेट था इससे जब हम बाहर निकलते तो हमको इसी गेट से सटी हुई सीढ़ियां मिलती है ऊपर। तो अब हम आपको ऊपर भी दिखा देते हैं कि ऊपर कितना बना के सीढ़ियों में भी इन्होंने वर्टिफाइड टाइल्स का इस्तेमाल किया, ये पानी में भी फिसलेगा नहीं, चाहे जितना पानी पड़ जाए तो आपका पैर स्लिप होने का झंझट नहीं। ऊपर भी वर्टिफाइड टाइल्स है, ये टाइल्स पानी और बाथरूम में स्पेशली लगाए जाते हैं ताकि फिसलन ना हो। ऊपर आते ही आपको कमरा मिलता है एक साइड में, तो पहले आपको कमरा दिखा देते हैं। ये कमरा सेम पैटर्न पर है नीचे वाले कमरे की तरफ, अंदर से कितना है इस कमरे में लॉबी एरिया अलग से नहीं है, यानी लॉबी वाला इन्होंने इसको फिलहाल जोड़ दिया है तो काफी बड़ा हॉल हो गया है। यानी आप बारिश में ऊपर पूरे घर के साथ, और घर में बल्कि कोई गेस्ट आ जाए उसके साथ भी इस कमरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाथरूम एक बनाई दिया है, साथ ही साथ दे दिया है एक विंडो जिसका खोलकर आप पीछे, अगर आपके घर पे कोई पीछे बैठा है चाय पानी करना चाहता है तो आप दे सकते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। अच्छा सा एक मिनट ऊपर भी कमरा है, आप कमरे का इस्तेमाल हर तरह से कर सकते हैं। अब इस कमरे के बाहर आते हैं वापस और आपको ले चलते हैं छत। छत पर आप देख पाएंगे आस पास जो मकान बने क्या रहने लायक है।
हम आ चुके हैं छत पर। ये छत आप देख सकते हैं, छत पे जब आप देख रहे हैं पीछे की तरफ, अगल बगल में आपको कैमरे दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर दोस्तों चारों तरफ से आपका मकान से चारों तरफ मकान बने, कहने का मतलब ये जैसा साइड है और यहाँ पर आप रहो सबके बचपन ऐसा कुछ नहीं होगा। दो वजह चारों तरफ से कवर्ड, यहाँ पर कैमरे डेस्क आपको चौथे फिट में पानी मिल जाता है, आपको मिल जाता है सिक्योरिटी गार्ड, साथ साथ मिलता है पावर बैंक का, आगे फ्रंट पर भी आपको 25 सड़क मिलता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये आपकी छत है, अगर आप डेवलप कराएंगे आपको तो आपके दो बिल्डिंग। अब हम दिखा देते हैं आपको इसका बाहर का एलिवेशन कैसा मिलता है। तो मैं ये कैमरा दिखाता हूँ सामने वाले मकान पर, सामने मकान देख रहे हैं सेम पैटर्न पर की जब आप बुक कर रहे हैं तो आपको बिल्डर करके शानदार व्यू बनाया। रेलिंग में इन्होंने कांच का इस्तेमाल किया, यानी जो आपका सज्जा दिया है उस पर इन्होंने टाइल्स के साथ साथ कांच का इस्तेमाल किया, प्लस कांच आजकल ये कल्चर है, बहुत अच्छा लगता है। 25 फीट की सड़क है, आप देख सकते हो बहुत शानदार लोकेशन है। 9 फेज में रेजिडेंशियल आवास है, हर तरह की बैंक फाइनेंस की सुविधा है, बिजली के लिए इन्होंने ABC कंडक्टर डाल के दिए हैं, रेलिंग कम्प्लीट है जीने से छज्जे तक। ओवरऑल लोकेशन लखनऊ में एक बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन पे आपको यहाँ पर वो हाउसेस मिल रहे हैं और यहाँ पर बैंक फाइनेंस सुविधा मिल रही है। गेट भी आपको तकरीबन 7.5 फीट चौड़ा गेट मिल रहा है, टोटल अगर चौड़ाई की बात करें तो 25 फीट चौड़ान मिल रही है। और दोस्तों इस सड़क से अब आप देखिए नजारा जरा मकान का, यही सेम लोकेशन आप सारे मकानों में देख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो ड्रॉबैक की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक है, यहाँ पर सीवर लाइन अभी नहीं पड़ी है। ये इलाका नगर निगम में हाल ही में आया है इसलिए यहाँ पर सीवर लाइन नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर भले ही सीवर लाइन नहीं, आप यहाँ पर टैंक बनवा कर आपको बिल्डर देगा। टैंक बनवाने से आपको समस्या तो नहीं होनी है, आगे आने वाले समय में यहाँ पर सीवर लाइन पड़ जाए। अब हम चलते हैं वापस, तो अब इसी रोड से दोस्तों जब हम वापस आते हैं तो आपको 300 मीटर गेट से चलना है और आप ये जो दिख रहा है हाईवे ये 4 लेन हो जाएगा। जिस समय ये 4 लेन हाईवे होगा काफी स्पेस कवर होगा, इसी वजह से दो हाउसेज अंदर हट के थोड़ा सा बनाए हैं। ये देखिए ये वो रोड है बिजनौर रोड का, एक सीधा पीछे सरोजनी नगर जा रहा है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं इस पर भी पहुंच जा रहे हैं, BBC जा रहे हैं, अम्बेडकर मैदान की तरफ जा रहे हैं। सीधे इसी रोड पर ओपेक्स है, वो गार्डन है, कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऊपर बन रहे हैं, तो ये रोड रहने के लिहाज से बहुत ही शानदार है, आप अभी इसको बुक करा सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर इसका नंबर दे दूंगा, तो आप यहाँ पर बात करके सीधे अपने लिए मकान ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं। और इस सोसाइटी का नाम स्वप्निल संगम है, लोकेशन बिजनौर रोड लखनऊ है, इसके ऑनर है संदीप कुमार यादव। संदीप कुमार यादव जी का मैं आपको नंबर दूंगा। तो दोस्तों लोकेशन अगर पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आप लखनऊ में किस लोकेशन के फ्लैट, रो हाउसेस, प्लॉटिंग क्या जानना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं दोस्तों कमेंट करें, हम आपको फ्लैट्स या फिर जो भी रो हाउसेस तक पहुँचाने का वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।